हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में वी विल बेसिकली बी डिस्कसिंग अबाउट जीआईपीई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जीआईपीई और गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच स्पेशलाइजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, दिस इज बेसिकली लोकेटेड इन पुणे and this is the oldest training institute in terms of economics in the country right now। ये आप इस particular university की importance इसी बात से समझ सकते हो कि इसकी establishment 1930s को हो रखी थी, so making it the oldest financial institute which primarily focuses on financial studies pertaining to the field of economics। और ये जो particular entrance examination है, this is primarily for the PG courses। So all those aspirants who are looking to get themselves enrolled in a prestigious university such as this, ye particular examination unke liye golden opportunity hai to get themselves enrolled or get themselves admitted in such a highly prestigious and a university and a university with such a rich history such as GIPE। तो इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल तक के आपके इकोनॉमिक्स की नॉलेज और मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग की नॉलेज को बेसिकली टेस्ट करती है। तो बिफोर वी डेल्व इनटू दैट, लेट अस फर्स्ट कंसीडर व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु हैज कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क एंड हैविंग मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अगर हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको कुल 3 सेक्शंस प्राइमरीली देखने को मिलते हैं। मार्किंग पैटर्न की अगर बात करें, हर सेक्शन टोटल इस एग्जामिनेशन में हमें कुल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर सही क्वेश्चन को करेक्ट करने पर आपको 1 नंबर और गलत करने पर 1/4 ऑफ द मार्क, दैट इज 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। द सेक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और द सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन हियर आर बेसिकली एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स। तो इन 3 सेक्शंस को प्राइमरीली कंप्राइज करके ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। सो वी विल ब्रेक डाउन दिस एग्जामिनेशन सेक्शन बाय सेक्शन एंड लेट्स सी व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन फोकस हियर, और यहाँ के लिए व्हाट आर आवर अप्रोचेस टुवर्ड्स टैकलिंग ईच एंड एवरी सेक्शन शुड बी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल सेक्शन। यहाँ पर कुल हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर कैरी कर जाता है। कोई सेक्शनल टाइमिंग होती नहीं है, तो कि जो कि हमें 2 घंटे का जो टाइम मिलता है वो एक कॉम्पोजिट टाइम होता है जिसके अंदर हमें तीनों सेक्शंस मैनेज करने होते हैं। तो मैथमेटिक्स एंड जो स्टैटिस्टिक का सेक्शन होता है, यहाँ पर आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल तक में आपने जो मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स के पेपर जो दे रखे होते हैं वही सिलेबस यहाँ पर फिर से दोहराया जाता है। सो बेसिकली मैट्रिसेस, कैलकुलस के ऊपर आपको क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जा चुके हैं। यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस ऑन मैट्रिसेस, बुलियन अलजेब्रा एज वेल। सो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने प्लस टू और अपने ग्रेजुएशन तक में कर रखी है, वही यहाँ पर प्राइमरीली फोकस में आता है। जहां तक लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी की बात आती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ वेरिंग होते हैं, जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं, दोज लाइक पर्टेनिंग टू अरेंजमेंट्स, लॉजिकल फिगर से क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्लॉक बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट, डिफरेंट सर्कुलर हो, स्क्वायर अरेंजमेंट हो, लीनियर अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्रड डायरेक्शन, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कलर बेस्ड कोड्स, पजल्स, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दो द नंबर ऑफ क्वेश्चन कंटेंट बाय दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ओनली 20, जो कि अगर हम बाकी सेक्शन से कंपेयर करें तो कम है, लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इन दिस यूनिवर्सिटी इज रियली लिमिटेड। सो यू नीड टू कम अक्रॉस स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलरली अटेम्प्टिंग दिस सेक्शन सो एज टू सॉलिडिफाई द चांसेस ऑफ योर कन्वर्जन। अब जो आखिरी सेक्शन है, हम उसकी बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो प्राइमरीली सिलेबस जो होता है एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, वो आपके 10+2 और आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर्ड होता है। द टॉपिक विच बेसिकली कंटेन्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वो आपको मैक्रो, माइक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंडियन इकोनॉमी,
पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्री लिबरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस, तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वेरिंग अक्रॉस योर प्लस टू एंड ग्रेजुएशन सिलेबस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेक्शन में या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्राइमरी फोकस रहता है। यहाँ पर हमने देखा है कि हमें कुल 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन कंटेंट इन द एग्जामिनेशन इज सोलली फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। तो आप देख ही सकते हो इकोनॉमिक्स में कितना ज्यादा एम्फेसिस है। तो दिस एंटायरली सम्स अप द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड द कोर्स कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन पर्टेनिंग टू दिस एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन का एक ही ड्रॉबैक है जो कि हमें देखने को मिला है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दो इट्स अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, बट इसके जो सेंटर्स होते हैं दैट इज वेरी मच कन्फाइंड, सिर्फ कुछ ही शहरों में, नेमली पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड एरकुलम, बस इन्हीं कुछ जगह पर इसके एंट्रेंस कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सेंटर्स के थ्रू दो ये कंडक्ट हो जाता है, लेकिन all those applicants who are not from this particular cities, they need to make necessary travel arrangements to travel to the cities to appear for this examination. At the end, I would just like to conclude that if you are one of those applicants who are looking to get themselves enrolled in a master's program, particularly specializing in the field of economics, ye particular college, jo Gokhale Institute of Political Economics hai, this will be a very good opportunity for you. It's a golden chance for you as it's one of the most prestigious colleges as far as economic studies are concerned. And you should not let it go to waste. So please go ahead and grab this opportunity. So with that being said, I believe आपने hopefully आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना, और जो applicants जो looking for to pursue their masters in a prestigious and history rich university such as this might have gained some necessary insights on the same. So with that being said, this is Dipan Chakravarti. I'm signing off. Thank you so much.